जीवित महान परमेश्वर पिता हालेलुया। मेरे सच्चे और अच्छे प्रभु जी, मैं एक बार फिर से पिता तेरे पास में आता हूँ आज की शाम के विलंब। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रभु कि आपने हमको संभाला, आपने हमको सुरक्षित रखा, प्रभु आपने हमको बचाया, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ मेरे महान परमेश्वर। आज प्रभु यीशु मसीह में आपके गहरे प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, जो आपके गहरे स्वभाव के द्वारा, गहरे आचरण के द्वारा जो प्रभु हमारे जीवन को आज आपने भला चंगा स्वस्थ रखा। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, आप ध्यान रखो आज के शाम के बेला में हम प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में, प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के पास में जब घुटने टेक कर समर्पण साथ विश्वास के साथ हम बैठ जाते हैं और उसको पुकारते हैं, तो यहोवा यीरे परमेश्वर आपको उपाय खोलेगा, आपके लिए मार्ग खोलेगा, आपके लिए रास्ता और वो द्वार को खोलेगा, क्योंकि हमारा जिंदा परमेश्वर जिसने अभी तक हमको जीवित रखा वो आगे भी आपकी अगुवाई करेगा। आज मेरे प्रिय मसीह भाई, आज हम शाम के बेला में प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे घर से, हमारे परिवार से वो जो अधूरे जो है श्राप है, बंधन है, अभी भी टूटा हुआ है, जो मेरे तो अभी भी जो है वो श्राप बंधन नहीं टूटा हुआ है, वो उसके लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु वो बंधन को तोड़ दो, वो जो है वो श्राप को तोड़ दो, वो कर्ज को तोड़ दो, प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 आकाश और पृथ्वी के मालिक, सारे सृष्टि के सृजनहार मेरे प्रभु, एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ, हमको आपने सुरक्षित संभाल कर रखा, वो नया जीवन दिया हमको आपने, एक एक प्रभु जी चीज़ों से हमको आपने सुरक्षित रखा मेरे परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और हमको आने जाने में हर जगह खतरों और मुसीबतों से बचाया, हर एक पाप से, झूठ से, छल से, कपट से, बुराई से और निंदा बुराई से हमको आपने बचाया मेरे प्रभु। और आज के शाम के बेला में इस शाम को दिखाया हमारे जीवन में और आपने जोड़ा प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आज मैं हुक्म देता हूँ कि प्रभु या जितने तेरे पास में बैठे हैं, जितने तेरे निकट में वो तेरी हुजूरी में बैठे हुए पाए जाते हैं, ओ मेरे महान परमेश्वर तू बोल और बातचीत करता कि प्रभु हर एक अंधकार की शक्तियाँ, हर एक अंधकार की गड़ों को आज प्रभु तेरे नाम से दूर किए जाए मेरे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ओ महान परमेश्वर मैं आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु, आपके नाम की महिमा करता हूँ मेरे परमेश्वर, जो प्रभु आज हर एक प्रभु तेरे बेटा और बेटियों प्रभु आपने सुरक्षित चंगा भला रखा मेरे प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस मेरे राजाओं की राजा, प्रभुओं की प्रभु जी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से पिता तू ब्लेस कर, सहायता और मदद कर, और रास्तों और मार्गों को खोलना, जरूरत आवश्यकताओं को तू पूरा करना मेरे प्रभु जी, दया करो दया करो दया करो। इस समय पिता तेरे सामर्थ हर एक जन के जीवन में ब्लेसिंग होने पाए, आज हर एक जन के जीवन में बड़े बदलाव कारण होने पाए। आज पिता जितने तेरे पास में बैठे हैं वो, जितने तेरे निकट में बैठे हैं, जितने तेरे हुजूरी में बैठे हुए पाए जाते हैं मेरे प्रभु, आज उन सभी मसीह भवन के लिए आज मैं प्रार्थना करता हूँ, उन सभी जन के लिए आज दुआ करता हूँ मेरे प्रभु, आज उनके लिए उपाय करना, उनके लिए रास्ता और मार्गों को खोलना। अरे प्रभु जी श्राप जो पुरखों का श्राप है, प्रभु यीशु मसीह आपके पुरखों का श्राप को तोड़ेगा, और आपके जितने भी शरीर में बीमारी है, वो गरीबी है, वो दरिद्रता है, प्रभु यीशु मसीह दूर करने जा रहा है आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र यसी सेनाओं की यहोवा याकूब का परमेश्वर, ओ मेरे सच्चे और अच्छे प्रभु, आज पिता हरे प्रभु जी जो पुरखों का श्राप है, बंधन है पिता, उसको आप तोड़ दो मेरे प्रभु जी, उसको आप पिता दूर करो मेरे परमेश्वर, उसके मैं धन्यवाद करता हूँ पिता। आज पिता जितने भी पिता तेरे पास में बैठे हैं, वो प्रभु लड़का हो चाहे लड़की, स्त्री हो चाहे पुरुष, कोई भी मनुष्य अगर प्रभु तेरे पास में बैठ कर प्रार्थना को सुन रहा है मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रभु जी, आज पिता प्रभु जी उन पुरखों का श्राप वो यीशु के नाम से छूटने पाए मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर तू उनको आज सहायता करना और मदद करना मेरे प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता वो हर एक श्राप से, बंधन से छुटकारा और चंगाई को प्राप्त करने पाए मेरे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया, जय जयकार हो, जय जयकार हो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज की प्रभु जी मैं इस शाम की बेला के लिए धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आज हर एक जन के जीवन को बचाया, हर एक जन के जीवन को बदला है मेरे प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्रभु, क्योंकि आपने हमको बचाया, छुड़ाया हर एक खतरों और मुसीबतों से, हर एक समस्याओं से, हर एक गरीबी से, हर एक प्रभु श्राप से, बंधन से, हमारे जीवन को आपने चंगा भला स्वस्थ रखा, निरोगी रखा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।
हूँ पिता। धन्यवाद यीशु, महिमा हो, तारीफ हो, जयकार मेरे प्रभु। आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ, आपके नाम की महिमा करता हूँ मैं, आपके नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाता हूँ। मेरे परमेश्वर तू सहायता कर, ओ मेरे परमेश्वर तू मदद कर, मेरे प्रभु आज अगुवाई कर, आज हर एक जन के जीवन को तू बदल दे, हर एक जन के लिए प्रभु जी आज पिता रास्ता और मार्ग खोलना मेरे प्रभु। हालेलुया, यस 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 पिता प्रभु जी, हर एक श्राप टूट रहा है, हर एक श्राप टूट रहा है, विश्वास करो आज परमेश्वर आपके साथ में है, आज परमेश्वर आपके जीवन में है, आज परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देगा, आपकी समस्याओं को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। आज इस वक्त अगर आप प्रभु को पुकार करने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देंगे मेरे प्रियो, तो आज आपके जीवन से वो परमेश्वर बोलेगा और बातचीत करेगा और आपके जीवन को शुद्ध और पवित्र करेगा मेरे प्रिय मसीहवन। आज परमेश्वर आपके जीवन से, परमेश्वर आपके मन से, हृदय से, सोच विचारों से बोलेगा और बातचीत करेगा। हालेलुया, जय जयकार हो मेरे महान परमेश्वर। आपके नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं आपके नाम की महिमा करता हूँ मेरे प्रभु जी, क्योंकि आपने हमको बचा लिया है प्रभु, क्योंकि आपने हमको छुड़ा लिया मेरे प्रभु। मैं आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ, ऊंचा और ऊंचा उठाता हूँ प्रभु जी। आज हर एक जन के जीवन से बोलना और बातचीत करना, हर एक जन की प्रभु जी आज प्रार्थना को सुनना मेरे प्रभु जी। हर एक जन पिता आज तेरे पास में बैठ कर विश्वास के साथ पिता अंगीकार करने पाए, ताकि प्रभु जी उनको जो पुरखों का श्राप है, बंधन है, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में टूटने पाए मेरे प्रभु। और पिता आज तू पिता शाम के विलंब प्रभु जी, जितने लोग अपने अपने पापों के लिए क्षमा मांग रहे हैं पिता, अपने अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहे हैं मेरे प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता तू उनके सारे पाप गुनाहों को प्रभु दूर करके उनको क्षमा करना और चंगाई और छुटकारा देना मेरे प्रभु। हर एक जन बदल जाए पिता, हर एक जन के जीवन आत्मदेह और बदल कर वो तेरी महिमा के लिए तैयार होने पाए पिता, वो तेरी आराधना करने के लिए तैयार होने पाए पिता, और दिन और प्रतिदिन तेरी संगति में विश्वास में और भी बढ़ने पाए, और भी प्रभु उनके जीवन और उनका मन हृदय सोच विचार बढ़ने पाए मेरे प्रभु। और पिता तेरे डर और भय में चलने पाए पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जितने भी पिता समस्या, जितने भी रोग है, समस्या बीमारी है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त दूर किए जाए मेरे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, जय जयकार मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने समस्याओं को, धन्यवाद करते हैं पिता सारी बीमारी को, और धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु आपने से श्राप को, जो पिता पुरखों का जो शैतान हमारे जीवन में प्रभु जी प्रभु डाल के रखा था पिता, जो पुरखों हमारे आजी दादी जो कर बैठे थे पिता, वो पुरखों का श्रापों को आपने प्रभु जी हरेक परिवारों से प्रभु तोड़ा है पिता, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। आपने उनके जीवन से प्रभु तोड़ा है प्रभु सारी समस्याओं को, हर एक बीमारियों को तोड़ा है मेरे परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ पिता। हर एक प्रभु जी ऐसी समस्याओं को निकाला है मेरे प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ पिता। आज बदल दे पिता और उद्धार करता परमेश्वर, हर एक जन पिता नया जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए मेरे प्रभु जी। दया करो, यस 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 महान परमेश्वर पिता, बदल दो मेरे प्रभु जी। पराक्रमी परमेश्वर पिता, चंगा करने वाला, बचाने वाला और छुड़ाने वाला, अद्भुत युक्ति करने वाला, योजना को सफल करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, मैं आपके नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस वक्त पिता धन्यवाद के साथ सभी तेरे बेटा और बेटी जितने तेरे पास में आज बैठे पाए जाते हैं, उन सभी के लिए प्रभु जी आज रास्तों और मार्ग खोलना मेरे प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता, आज हर एक जन की परिस्थितियों को बदला है और हर एक जन को श्राप से प्रभु जी, जो पुरखों का श्राप था प्रभु जी, उनसे प्रभु जी छुटकारा दिया है, उनसे चंगाई दिया है मेरे परमेश्वर, उसके मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तू हर एक जन के जीवन से बोलना और बातचीत करना मेरे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, आपने हर एक जन के जीवनों से, हर एक जन के मन हृदय सोच विचारों से आपने बोला और बातचीत किया, और आज की शाम के विलंब प्रभु हमने जितने लोग अंगीकार किए हैं, पश्चाताप किए हैं, विशेषकर जो जो पिता मसीह भाई बहन पिता तेरे पास में बैठकर आज तुझे तहे दिल से और धन्यवाद के साथ तुझे पुकारे हैं प्रभु, सारे लोगों की आज प्रार्थना को सुनकर आज उत्तर देना, और उनके घर से, उनके परिवार से, उनके गाय बैल मुर्गी तितरी कोठी डोली चूल्हा चक्की बर्तन, उनके आय के स्रोत, उनके जितने प्रभु व्यापार हैं, उनके जितने प्रभु जी दुकान है, वो सब जगह से पिता हर एक पुरखों का श्राप और बंधन टूटने पाए पिता, और तेरी महिमा के लिए हर एक व्यक्ति को प्रभु आज उठाना पिता, हर एक व्यक्ति तेरी महिमा करने पाए पिता, हर एक व्यक्ति आज तेरी आराधना करने पाए मेरे प्रभु, ताकि पिता जितना भी पिता तुझे आज ढूंढेंगे और जितने भी तुझे आज प्रभु जी पुकारेंगे, वो सब लोग क्षमा अपने प्रभु जी पश्चाताप के साथ प्रभु अपने जीवन से, अपने प्रभु हृदय से, अपने प्रभु जी और शरीर से बड़े बदलाव को देखने पाए पिता, वो शैतान के बंधनों को टूटते हुए देखने पाए पिता, वो शैतान के प्रभु जी कामों को टूटते हुए देखने पाए मेरे प्रभु। ऐसे तू दया कर और कृपा कर मेरे प्रभु जी। मैं आपके नाम को धन्यवाद करता हूँ कि आपने सारे प्रभु जी प्रॉब्लमों को, सारी समस्याओं को, सारी
कष्टों को, सारी मुसीबतों को, सारी परेशानियों को आपने दूर किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु आप मुझे भी पिता आज ब्लेस करना। प्रभु आज के शाम हर एक जन के जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आज पिता जितने भी पिता पुरखों का श्राप था, बंधन था, उसको आपने तोड़ा है प्रभु, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। पिता आज एक एक जन प्रभु तेरे बेटा और बेटी एक नए जीवन को प्राप्त करने पाए पिता। ओ शैतान की गुलामी से छूट कर तेरी महिमा करने पाए पिता। ओ तेरी आराधना करने पाए, बड़ाई करने पाए मेरे प्रभु जी। आज उनको छुड़ाया पुरखों के बंधन से, उनको आजाद किया शैतान की गुलामी से, शैतान के बंधनों से उनको छुड़ाया, इसलिए मैं धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आज हर एक जन को पिता तेरी महिमा के लिए छुन लेना मेरे प्रभु। ओ तेरी महिमा के लिए छुन लेना मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से ब्लेस करना प्रभु। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगता हूँ। आमीन।